गाइज एक न्यू क्रिकेट गेम लॉन्च हुआ है CCL24 एंड इस गेम का मैंने ट्रेलर और गेम प्ले वीडियो कल अपलोड किया था और गाइज मुझे पर्सनली ये गेम काफ़ी अच्छा लगा है। डेवलपर्स ने अच्छा काम किया है। सो इस गेम का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एंड किस तरीके से आप इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा गाइज, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे फर्स्ट अगर गेम के इंटरफेस की बात करें तो क्विक मैच हमें अभी देखने को मिलता है और सुपर ओवर, आईपीएल, वर्ल्ड कप वगैरह भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ गाइस सेटिंग्स में आप लोग जाके देखोगे तो हम लोग क्वालिटी चेंज कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है गाइस कि हम लोग को जॉयस्टिक प्रो कंट्रोल भी यहाँ देखने को मिलता है और स्वाइप कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है और सारी ही इंटरनेशनल टीम्स हम लोगों को लगभग इस गेम में देखने को मिल जाती है। और दो स्टेडियम फिलहाल हमें गेम में देखने को मिल रहे हैं, कोलकाता और धर्मशाला का, और कोलकाता का भी शायद वर्किंग प्रोग्रेस है तो थोड़ा सा हम लोगों को वाइट कलर का देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और सिलेक्शन हो या डिफ़िकल्टी सिलेक्शन हो या फिर जो कंडीशन होती है वो भी हम लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो गाइस गेम में आप लोग कॉमेंट अगर गेम की सुनोगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी और बड़े बड़े गेम्स जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं उनसे भी अच्छी कॉमेंट्री मुझे इस गेम की लगी है और ग्राफिक्स वगैरह भी काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छा गेम ये लग रहा है गाइस। और मैच से पहले जो प्लेयर्स है वो अपने आप को स्ट्रेच करते हुए यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं मैदान में और उसी के साथ यहाँ पर टॉस की शुरुआत भी हो जाती है। तो टॉस का सीन भी काफ़ी सही है गाइस। जो इस गेम के ओवरलेज है वो भी गाइस नेक्स्ट लेवल है और सही मायनों में देखा जाए तो अब तक के सबसे बेस्ट ओवरलेज गेम में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वो चाहे स्कोरबोर्ड की बात करें या फिर प्लेयर के स्टेट्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देती है और देखो अलग अलग एंगल से हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, प्लेयर्स की एंट्री वगैरह, तो काफ़ी सिनेमेटिक भी लग रहा है इस गेम में और यही कारण है गाइस कि ये गेम अभी तक सभी को अच्छा लग रहा है। हालाँकि कुछ लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं RC22 या फिर RC20 से, तो हाँ RC20 या और RC22 के जैसा हम लोगों को थोड़ा फील हो रहा है गेम में, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये गेम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और देखो ये कंपनी अभी आई है और नई कंपनी है, छोटे से स्टूडियो से उन्होंने इस गेम पर काम किया है, तो अभी अगर हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे तो ये फ्यूचर में जाकर काफ़ी अच्छे गेम हमारे लिए बना सकते हैं। और देखो एक छोटे से स्टूडियो से उन्होंने इतना अच्छा गेम हमारे लिए बना दिया है, तो आप लोग सोचो कि इनको अगर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इनको अगर पैसे मिलेंगे और इनको अगर स्पॉन्सर्स मिलेंगे तो ये कितना अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें WCC3 या Nautilus मोबाइल की तो दोनों ही कंपनीज के पास अच्छे खासे पैसे हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इन्होंने इतना अच्छा गेम डिज़ाइन किया है। और गाइस गेम की डाउनलोड की बात की जाए तो आप लोगों को एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में, तो उस पर क्लिक करने पर एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी गेम की। तो यहाँ ऊपर की साइड में आप लोगों को एंड्रॉयड और iOS के दो ऑप्शन दिखेंगे, तो दोनों में से किसी पर भी आप अगर क्लिक करोगे तो आपको प्ले स्टोर के ऊपर लेके चला जाएगा और वहाँ पर गेम आप लोग ईजिली इंस्टॉल करके खेल सकते हो। तो हम लोगों को यह सपोर्ट करना चाहिए इनको क्योंकि इन्होंने इतने कम बजट में इतना अच्छा गेम हमारे लिए बनाया है और गेम की साइज़ 200 MB है, तो यार 200 MB में आप लोग सोच सकते हो कि किस तरीके के कर्सिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि 1.5 GB या फिर 2-2 GB के गेम बनाती है लेकिन फिर भी हमें इतने अच्छे कर्सिंग्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसी चीज़ के लिए इस कंपनी को सपोर्ट करना तो बनता है। और देखते हैं कि फ्यूचर में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें इस गेम में देखने को मिलती है। और गाइस इस गेम में हमें ग्लिच एंड बग्स वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, 2-3 बग्स फिक्सेस के अपडेट आ जाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी और उसके बाद ये गेम भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके गाइस तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।